दोस्तों मैं आपको 10,000 के अंदर तीन बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पोको MT रिलोडेड, जिसके प्राइस 9,999 रुपए है और स्क्रीन साइज की बात करो 6.53 और फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। और बैक साइड कैमरे की बात करो तो इसमें 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G80 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और रैम इसमें 4GB और इंटरनल स्टोरेज 64GB का मिल जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 11 पर बेस्ड है और यह स्मार्टफोन गेमिंग के लिए भी काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है। और बैटरी इसमें 5000 mAh के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी विथ फिंगरप्रिंट सेंसर, स्कैनर और भी अदर कॉमन सेंसर के साथ। नंबर 2 मोटोरोला E40, जिसकी प्राइस 9,499 रुपए है और स्क्रीन साइज की बात करें 6.50 इंच HD प्लस IPS LCD टाइप की डिस्प्ले है और प्रोसेसर UniSoC T700 ऑक्टा कोर का है और आप इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को G85 या G88 से कंपेयर कर सकते हैं। और अब कैमरे की बात करते हैं, इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा है, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है जैसे कि आप इस बैक साइड स्क्रीन में देख ही रहे होंगे और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और रैम की बात करें 4GB रैम है और स्टोरेज 64GB इंटरनल स्टोरेज जो आपको मिलेगी और रिफ्रेश रेट 90Hz का है और यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और बैटरी कैपेसिटी इसमें आपको 5000 mAh और 10W चार्जिंग के साथ मिल जाएगा और आपको फेस लॉक और फिंगरप्रिंट इस सेंसर के साथ और भी अदर कई सारे कॉमन सेंसर्स मिल जाएंगे। नंबर 3 माइक्रोमैक्स N2B, जिसकी प्राइस 8,999 रुपये है और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ARM Cortex A75 ऑक्टा कोर दिया गया है जो लैग फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा आपको। और रैम की बात करें तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा और रिफ्रेश रेट इसमें आपको 60Hz का मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.52 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड कैमरे में आपको 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाएगा और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये और फेस लॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और भी अदर कॉमन सेंसर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। और आपको इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी के साथ 10W की चार्जिंग मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों ये तीन स्मार्टफोन हैं जो 10,000 की रेंज में वैल्यू फॉर मनी है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।